दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि पैन कार्ड कितना जरूरी दस्तावेज बन चुका है। अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या कहीं चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है, टूट गया है, तो उस स्थिति में आप अपना नया पैन कार्ड घर बैठे मंगा सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखिए, कई दफ़ा मुझे सुनने को मिला कि जब दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलता है कि आपने खो दिया या फिर चोरी करवा दिया, तो उस स्थिति में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जो कि आपको पेनाल्टी वगैरह देना पड़ सकता है और कुछ ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा पैसे वो जो है मांग करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये सब फ्री है। अगर आपका खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, तो इसका कोई भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है रीप्रिंट की कॉस्ट, जो आपका कार्ड होता है उसका कॉस्ट देना पड़ता है, जो है ₹50 आपसे लिया जाता है। और ये ₹50 में जो आपका कार्ड की प्राइस है, उसके बाद जो छपाई है और जो आपके कुरियर चार्ज है, सब जुड़ा हुआ रहता है और आपके एड्रेस पर आ जाता है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो अपने से ही आप इस पैन कार्ड को घर पर मंगा सकते हैं, जो कि ये वाला पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको कहीं दुकानदार के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए दिखाता हूँ। दोस्तों, पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के लिए यूटीआई के पोर्टल पर आपको आना पड़ेगा। यूटीआई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड। इसके पोर्टल पर आने के बाद आप स्लाइड करेंगे, नीचे में आप देखेंगे पैन कार्ड सर्विस, ऊपर में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं पैन कार्ड सर्विस पर। जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के अटेंशन आएगा, जिसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद जस्ट आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ। नीचे में आपको जितने भी पैन कार्ड की सर्विसेज है, ई पैन डाउनलोड करने का, करेक्शन करने का, नया पैन अप्लाई करने का, ट्रैक करने का, वो मिल जाएगा। आपको रीप्रिंट पैन कार्ड पर क्लिक करना है। रीप्रिंट पैन कार्ड पर क्लिक करने के बाद आगे आपको आएगा रीप्रिंट पैन कार्ड। अगर आप पहले से रिक्वेस्ट दे चुके हैं तो बगल वाले पर, और नया देना चाहते हैं तो रीप्रिंट पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा। उसके नीचे आपको अपने आधार नंबर, सारा डिटेल एंटर करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप अपने पैन कार्ड को घर बैठे मंगा सकेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, मात्र ₹50 देने की आवश्यकता है। ये ₹50 इंडिया वालों के लिए है। इंडिया से बाहर अगर पैन कार्ड भेजे जाते हैं तो आपको ज़्यादा लगेगा, जिसमें डिटेल में बताई गई है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर को दर्ज करेंगे। नीचे में डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका जो मंथ है और ईयर है, DDMMYY नहीं बल्कि MM और YY फॉर्मेट में, यानी सिर्फ और सिर्फ मंथ और ईयर दर्ज करना है। GSTIN जिसे छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चा भर के आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका डिटेल्स कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसे आप तो खुद अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आपका क्या एड्रेस है, आपका कौन सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और आपका पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पर आ जाता है। पिन कोड के लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट बता दी जाती है। नीचे में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, क्या आप ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, या केवल ईमेल पर, या केवल एसएमएस के थ्रू, जो कि मोबाइल नंबर पर। आप अगर एसएमएस के थ्रू मंगाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गिरेगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें, यहाँ पर कैप्चा भरें, और कैप्चा भरने के बाद नीचे में आपको गेट ओटीपी बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जो पैन कार्ड में एड्रेस रहता है उसी पर आपको एड्रेस पर पैन कार्ड भेजे जाते हैं। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आती है, आप जस्ट यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, डिटेल को मैच करेंगे और आप देखेंगे एक ओटीपी का बक्सा। आपको बता दूं कि अभी आप यूटीआई के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पैन कार्ड रीप्रिंट कैसे किया जाता है, अपने घर पे कैसे मंगाया जाता है। NSDL के एक पोर्टल है, जहां से अगर NSDL के माध्यम से आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो UTI से रीप्रिंट आपका नहीं होगा। आप NSDL पर जाकर सेम प्रक्रिया कर सकती हैं, आधार नंबर पैन नंबर दर्ज करके, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और रीप्रिंट में आपको मात्र ₹50 ही पे करना पड़ेगा, और यही प्रक्रिया NSDL के पोर्टल से आप करेंगे। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड UTI से बना हुआ है तो उस स्थिति में NSDL से नहीं होगा, UTI पर आपको आना पड़ेगा और यही प्रक्रिया आप अपनाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक दे दिया है भाई। आपका जो भी पैन कार्ड जहां से भी बना हुआ है आप रीप्रिंट कर सकते हैं। डिटेल एंटर करेंगे वैसे ही वो लिख देगा कि ये पैन कार्ड मेरे यहां से नहीं, इसके यहां से वगैरह बना हुआ है, और आप वहां से जो है रीप्रिंट लगा सकते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स जो पोर्टल है उससे बना हुआ है तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप पैन कार्ड काफ़ी आसानी से मंगा सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ओटीपी यहाँ पर दर्ज किया, आपके मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी इस प्रकार से आपको दर्ज करना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि 50 रुपये की पेमेंट मांगा जा रहा, जिसमें सबसे पहले तो आप एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर दीजिएगा और नीचे बिल्डेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रोसीड आगे कर दीजिएगा। आगे करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट और UPI, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहेंगे उस माध्यम से आप पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर QR कोड से मैं पेमेंट करना चाहूँगा जो कि UPI QR कोड से, तो QR कोड वाले ऑप्शन पर चुनूंगा। उसके बाद वीम और एक QR कोड जनरेट कर लूँगा। QR कोड जनरेट होने के बाद आप जो UPI एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसमें इस QR कोड को स्कैन कीजिए, UPI पिन दर्ज कीजिए जो कि 50 रुपये पहले से ही फिलअप रहेगा और आप यहाँ पर जैसे ही पेमेंट करेंगे पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है जिसे आप नोट करके रखेंगे। एप्लीकेशन नंबर इस प्रकार से होते हैं, ट्रैक में आपको काम आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा डिटेल आपको मिल जाता है, कितने रुपए का पेमेंट हुआ, कितने बजे आपने पेमेंट किया है। आप यहाँ से रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि PDF में डाउनलोड हो जाएगा और पूरा डिटेल इसमें आ जाता है। आप इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रखिएगा या PDF को संभाल कर रखिएगा, आगे काम आएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से पैन कार्ड को रीप्रिंट करना है और किस तरह से अपने घर पे मंगाना है। देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है जिसे मैंने आपको बोला कि नोट करके रखिएगा, तो उसे जो है ट्रैक करने में मदद आएगा। अब कैसे आप ट्रैक करेंगे वो भी देखिए। दोस्तों एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए आपको UTI के पोर्टल पर आना होगा, ऊपर में ही आपको मिल जाता है पैन कार्ड ट्रैक करने का ऑप्शन। अगर आप नीचे से प्रोसेस करना चाहते हैं तो पैन कार्ड सर्विस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक पैन कार्ड, बस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ट्रैक करने के लिए जो एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर आपको मिला हुआ है या आपका पैन नंबर है, कुछ भी आप एक दर्ज कर सकते हैं। मैं यहां पर एप्लीकेशन नंबर दर्ज करता हूं। एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद नीचे आपको DDMM YY YY फॉर्मेट में जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो पूरे के पूरे आपको एंटर करना पड़ेगा। आप अपने पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कीजिएगा और वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ दर्ज हो जाने के बाद नीचे आपको कैप्चा नजर आते हैं, तो आप यहाँ पर कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन जो नीचे दिखाई देगा, मैं आपको बता दूं कि आप यहां से सर्च करेंगे और वैसे ही आपका पैन कार्ड का स्टेटस शो हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। आप देखेंगे स्टेटस ट्रैक हो चुका है जिसमें अभी जो है प्रोसेस में बताया गया है। पैन कार्ड के लास्ट डिजिट आपको दिखाया जाता है, आपने कब ये एप्लीकेशन प्रोसेस किया था, कब अप्लाई किया था, वो सब यहाँ पर डेट आपको नजर आ जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो ऑब्जेक्शन रीजन भी आपको नीचे में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आप ट्रैक करके देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति है। तो आपने देखा कि किस तरह से पैन कार्ड को रीप्रिंट करना है, फिर एप्लीकेशन नंबर से कैसे ट्रैक करना है, आपके एड्रेस पर आया, डिलीवर्ड हुआ या फिर नहीं, कहां तक आया हुआ है, ये कैसे आप यहां पर चेक कर पाएंगे वो मैंने आपको बताया। जब तक आपका पैन कार्ड नहीं मिल जाता है आप जो है स्टेटस को चेक करते रहिएगा कि क्या स्टेटस शो होता है, और पैन कार्ड मिल जाने के बाद स्टेटस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैन कार्ड मिल जाएगा हाथों में, मात्र 50 रुपये ही आपको पे करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है और पहले के जैसा ही कार्ड वाला पैन कार्ड आपको मिल जाएगा जो कि ये ऑफिशियल। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और NSDL के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका जो साथी है, दोस्त है, वो किसी दुकानदार को एक्स्ट्रा पेमेंट ना करे, क्योंकि भाई प्रोसेस यही है, खुद से ही वो प्रोसेस कर सकते हैं मात्र 50 रुपए, जो कि इंडिया के लिए, इंडिया से बाहर के लिए तो ज्यादा चार्जेस बताया जाता है। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।